प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े पार्ट टू में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन के बारे में एंड वो इसके साथ साथ हम ट्रिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आपने प्रीवियस क्लास के अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कुछ जो है क्वेश्चन सारे वहाँ पे सॉल्व किए थे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो सारे यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए इन सारे क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से एंड बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट व्हेन कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। मैंने कल आपको जो है बताया था कि कभी भी अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन ना रहे कि आपका सेलिंग प्राइस में आपको जो है परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तब तक जो है आप सेलिंग प्राइस में कभी भी जो है परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं करोगे। हमेशा जो होता है आपका जो है सीपी में जो है आपका परसेंटेज कैलकुलेट होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहा किया गया है देयर इज एन प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक जो है आर्टिकल का आप सीपी मान सकते हैं 100 रुपया, हम सीपी हमेशा जो है 100 मानते हैं। अब जो है यहाँ पे एसपी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो आप बता दीजिए अगर आपने पहले वीडियो देखे हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसका एसपी कितना होगा। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 120 रुपये जो है इसका एसपी हो जाएगा। कैसे निकाल के आया है आप जो है प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे निकल के यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, एसपी कैसे होगा। अब क्या कहा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपका 20 रुपये का। यहाँ पर सीपी खरीदा हुआ जो है आर्टिकल जो है 100 रुपये में एंड बेचा गया है 120 में, तो 20 रुपये का तो प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको अब क्या करना है, आपको जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे जो है दिया गया है सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो सेलिंग प्राइस किसका इसका कितना है 120 रुपया, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे करते हैं, प्रॉफिट जो प्रॉफिट आया है वो एंड नीचे हम क्या लेते हैं, हमेशा सीपी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर जो है आप हमको प्रॉफिट निकाल के दिखाओ कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा सेलिंग प्राइस है 120 एंड प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड करना है, इसलिए तो आपको हमेशा यहाँ पे 100 रखना ही होगा। तो इसको जो है आप यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, यहाँ पर 1/6 आ गया। तो आप कह सकते हैं 1/6 का वैल्यू अगर आपको पता है, अगर आपको पता है तो आप यहां से कह सकते हैं इतना परसेंटेज आ गया। अगर आपको पता नहीं है तो 100 से जो है 6 से 100 से डिवाइड कर लिए तो इसे आप जो है निकाल सकते हैं। तो ये कितना होता है 1/6 का अगर वैल्यू अगर परसेंटेज में हम निकालें तो इसका वैल्यू हमारा आवाज आता है 16 × 2/3%। तो इसका परसेंटेज कितना जो है सेलिंग प्राइस में अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 × 2/3%। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है ना, आगे भी बहुत बार आपका जो है ये सारे क्वेश्चन पूछा जरूर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाई सेलिंग है बाइसाइकिल फॉर रुपीज़ 2,850 रुपये, शॉपकीपर गेन 14%, इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड टू। हमेशा यहाँ पे याद रखना है, कभी भी अगर रिड्यूस टू लिखा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि 14 से 8% जो है कम हो रहा है, रिड्यूस टू अगर लिखा रहा है तो यानी कि 14 से जो है निकाल के जो है वो 8% में आ रहा है। एंड सिंपल से अगर रिड्यूस लिखा रहे तो हमेशा याद रखिएगा कि 14 से 8% कम हो रहा है, इसे आप याद रखिएगा। रिड्यूस टू एंड रिड्यूस के बीच का जो है डिफरेंस यही है, तो इसे जो है आप याद रखिएगा, बाकी जगह में आपका ये बहुत ही काम आएगा। तो यहाँ पर रिड्यूस होकर 8% अगर आ जाए तो हमको फाइंड करना होगा सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी कि यहाँ पर गेन हो रहा है 14% का, तो इसे हम लिख सकते हैं 114। तो 114 मैंने कैसे लिखा है, पहले वीडियो में मैंने डिस्कस करके रखा है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2,850 रुपये इसका वैल्यू हो जाएगा, एंड हमको फाइंड करना क्या होगा 108% का वैल्यू क्या होगा, ये आपको सिंपल से यहाँ पे फाइंड करना है। तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, 10850 यहाँ पर हो गया, यहाँ से जो है 114 यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ साथ 1% एंड 100% अगर करेंगे तो वहाँ से 100 यहाँ पर आएगा ऊपर आपको आएगा, और क्या क्या आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होके 108 एक आएगा एंड मल्टीप्लाई एक रहेगा आपका 100 यहाँ पे परसेंटेज के लिए आपका जो है यहाँ पे एक 100 रह जाएगा। तो ये 100 से ये 100 कट होके यहाँ से चला जाएगा। अब जो है इसका अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सिंपल सी ने अगर सारे को कट कर दें तो ये आ जाएगा आपका 2700। इसे आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि 2700 रुपया जो है यहाँ से आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा आपका 2700 रुपया आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो इस क्वेश्चन को आप जो है आसानी से हल कर सकते थे, बहुत इजी था। यहाँ पे सिर्फ जो है ट्रिक था, यहाँ पे जो है रिड्यूस टू है यही आपको जो है दिक्कत पैदा कर सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पार्टिकल। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बार जो है एग्जामों में पूछा गया एंड बार बार पूछा गया है एंड आगे भी बहुत बार पूछा जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 जो है आर्टिकल इज इक्वल्स टू, यानी कि एस पी ऑफ 12 इज इक्वल्स टू सी पी ऑफ 15, यहाँ पे वही कहा गया है। अब जो है यहाँ से फाइंड करना होगा, गेन फाइंड करना होगा, तो आप क्या कर लीजिए, एस पी बटे में सी पी कर लीजिए। एस पी आपका बटे में सी पी आ जाएगा 15 बटे में जो है 12, यहाँ से अगर कट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं 5 बटे में 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी पी हमारा क्या है, सी पी हमारा है कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमने खरीदा है। अब जो है एस पी क्या है, सेलिंग प्राइस, हमने बेचा है। तो यहाँ से आप इस रेशियो से मान सकते हैं ये इस जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का सी पी है आपका 4 रुपया, आपने बेचा है इसे 5 रुपया में, तो आपके प्लस क्या गेन हुआ है या लॉस हुआ है पहले आप ये बता दीजिए। हाँ, यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं कि 4 रुपये में हमने खरीदा था उस चीज़ को, अब हमने बेचा है 5 रुपये, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट हमारा हुआ है 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है, यानी यहाँ पे गेन एंड लॉस में से क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो आपको जो है आप फाइंड करना होगा गेन परसेंटेज। तो 1 रुपया जो है आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आप कहाँ किससे जो है आप निकालते हैं, हमेशा सीपी से निकालते हैं। सीपी कितना है यहाँ पे, सीपी आपका 4 है, इसको जो है परसेंटेज में आपको करना है, तो परसेंटेज के लिए हमेशा आपको 100 से गुना करना होगा, इससे ये चला जाएगा, ये कितना बन जाएगा 25%, यानी कि यहाँ पे गेन कितना हो रहा है, 25% का गेन हो रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, इसे करने के तरीके जो है बहुत ही आसान है। तो आसानी से जो है इसके बाद जो है कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप जो है सॉल्व जरूर कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बुक वेंडर सोल्ड ए बुक एट ए लॉस ऑफ 10%, लॉस हुआ है 10% में। ही हैड सोल्ड इट रुपीज 108 मोर, ही वुड हैव अर्न प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, एक जो है वेंडर जो है एक बुक को जो है सोल्ड कर रहा है कितने में, 10% लॉस में। 10% लॉस का मतलब क्या है, 90% में जो है ये सोल्ड कर रहा है, 100% अगर सी पी माने, सारे हम सी पी में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर ये जो 90% में सीपी, अगर इसे आप एक्स मान सकते हैं चाहे आप ना भी मान सकते हैं, तो अगर ये जो 90% में ये सॉल्ट किया है, सॉल्ट करने के बाद अगर इसके साथ और भी 108 रुपया अगर जोड़ दे, और भी इसे 108 रुपये से अगर इसे सॉल्ट करें, तो देखा जा रहा है इसमें टोटल में आपका प्रॉफिट आ रहा है 10% प्रॉफिट, यानी 110%। अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल से आपका आ गया कितना, 20% का वैल्यू आपके पास आ गया है 108। अब आपको फाइंड करना क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितने में आता है हमारा, हमेशा 100% में आता है। तो इसका आप जो है 100% निकालेंगे, तो 100% हम क्या कर रहे हैं, इधर हम 5 से मल्टीप्लाई करके ये 100 बन रहा है, तो इसे भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि इस बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, इस बुक का कॉस्ट प्राइस है आपका 540 रुपया। कितना आसान है एंड कितने इजी तरीके से जो है अपने कोई भी क्वेश्चन बनता है, सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹400 आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन द लेवल प्राइस। हमने लेवल प्राइस के बारे में पहले वीडियो में डिस्कस किए थे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल प्राइस क्या होता है। तो यहाँ पे शॉपकीपर जो है एन आर्टिकल ₹400 एंड गिविंग 20% ऑफ डिस्काउंट ऑन द लेवल प्राइस। अब क्या करते हैं, अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि लेवल प्राइस कितना होगा। 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 80% का वैल्यू है यहाँ पे, 80% का वैल्यू है आपके पास ₹400। अब जो है आप लेवल प्राइस अगर कहे, इसे अगर आप लेवल प्राइस कहे, तो लेवल प्राइस कितना हमारा है 100% में, तो इसका अगर 100% हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका ₹500। तो ₹500 अगर इसका लेवल प्राइस है। अब आगे क्या कहा गया है, एंड मेड 20% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ये 20% प्रॉफिट है, ₹400 में बेचने के बाद लेवल प्राइस इतना है, लेवल प्राइस तो इतना हो गया। अब हमारा कॉस्ट प्राइस कुछ होता है, इसका पहले कॉस्ट प्राइस था शायद ₹300 शायद मान लीजिए कॉस्ट प्राइस था। अब जो है इसके ऊपर भी देखा जा रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो
तो इसके ऊपर भी अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से अगर टोटल प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो यहाँ से आप सिंपल से कह सकते हैं यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो यहाँ से आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है, तो यहाँ पे 80% का वैल्यू है आपके पास 400 रुपया। अब यहाँ से कितना हो रहा है, यहाँ पे पहले में लॉस हुआ था, अब क्या हो रहा है, अब प्रॉफिट हो रहा है। 120% का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 400 रुपया में, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 100% सीपी के ऊपर ये कहा गया है, ये लेवल प्राइस जो है, लेवल प्राइस हमारा आप जो है सीपी यहाँ पे बन चुका है। यहाँ से आप जो है आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, 400 बटे में यहाँ पे करेंगे 18 इंटू में जो है आपका 120। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपके पास स्पेंड है, ये आ जाएगा सॉरी ये 120 इंटू में ये 100%, ये 100। यहाँ से इसके अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1000/3। तो यहाँ से कितना आ रहा है, पहले वाला जो आ रहा है आपका जो है 400, इसका लेवल प्राइस हो गया आपका, इसका जो है आपके आर्टिकल का लेवल प्राइस आपका आ गया है 500 रुपया। अब जो है यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस बन गया है आपका 1000/3। अब यहाँ से क्या कुछ आप कह सकते हैं पहले ये बता दीजिए, यहाँ से आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इतने में जो ख़रीदा हुआ था बिक रहा है जो है, इतने में जो सीपी था हमारा, सीपी से लेके अब बिका हुआ है ये 500 रुपया में, तो हमको यहाँ पे फाइन करना होगा ही हैड नॉट गिविंग द डिस्काउंट। अगर यहाँ पे अगर डिस्काउंट ना देता तो कितना जो है इसे प्रॉफिट होता, अगर डिस्काउंट ना देता तो इसे जो है 500 रुपया में इसे बेचना होता, तो 500 रुपया में अगर बेचता तो कितने के प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइन करना है, तो 500 यहाँ पे आ गया माइनस में आपका 1000/3, एंड नीचे में आपका सीपी होगा, सीपी आपका आ जाएगा 1000/3। तो इससे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50%, यानी कि यहाँ पे अगर डिस्काउंट ना देता तो इसका कितना प्रॉफिट हो जाता, इसका जो है 50% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता।